कभी कभी मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उस मंजिल तक पहुँचने के रास्ते, और उसी रास्तों पे आज हम चल पड़े हैं एक नई मंजिल की ओर। तो अभी दोपहर के बजे है 12:15 और नारियल पानी जो है वो तैयार हो गया मस्त वाला। देखो साइज देखो इसकी, पूरा नारियल पानी ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट जर्नी के लिए शुरुआत करेंगे। मारावंते कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वो एक जस्ट एक सफ़र का पार्ट है, जहाँ पे कोची पनवेल हाईवे पे हमें ये खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है, जहाँ पे एक साइड दरिया है तो एक साइड नदी है। और हम एक लोकेशन पे आ गए हैं जिसका नाम है मारावंते बीच। और इस जो बीच है इसकी खासियत वो है कि मतलब बीच के कोई खासियत नहीं है, लेकिन इस लोकेशन की खासियत जो है वो ये है कि एक साइड आपको बीच का सुनहरा नज़ारा मिलता है, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको एक साइड पे नदी मिलती है, तो और बीच में से हाईवे जाता है कोची पनवेल हाईवे, तो जो इसका जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। आप ड्रोन शॉट में देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से पूरा मतलब लाइक इस साइड ब्लू पानी, इस साइड ब्लू पानी और बीच में से यू नो हाईवे जा रहा है। सो डेफिनेटली वर्थ अ स्टॉप, अगर आप आते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आओ और एक बार इसका जो एक्सपीरियंस है वो लेने जैसा है। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज तीसरा दिन है हमारे ट्रैवल का। हम ओवरनाइट जर्नी करके हम पहुंचे हैं कुर्ग, और कुर्ग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, तो हम उसका नज़ारा जो है वो देखने वाले हैं आज। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले लोकेशन से और उसके बाद दूसरा और तीसरा और चौथा, तो चार लोकेशन देखेंगे प्लस कॉफ़ी टेस्टिंग भी करेंगे। सो लेट्स द जर्नी गेट स्टार्टेड एंड आप लोग रेडी हो जाओ अनबिलीवेबल व्यूज देखने के लिए। ये जो है वहाँ पे हम रुके हैं फॉर 2 डेज और ये है पूरा कुर्ग का नज़ारा। तो आफ्टर राइड अबाउट 3 किलोमीटर्स अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, तो दिस इज द राजा सीट पार्क। आप पूरा पार्क देख सकते हो, अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। वहाँ
वहाँ से एंट्री करने की। वहाँ से एंट्री करने के बाद हम यहाँ पे पूरा जो पार्क है वहाँ पे जाएंगे, और पार्क के अंदर जाने के बाद जो व्यू मिलने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। सो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही क्यूट सा पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे। अलग 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 टाइप के ऐसे छोटे छोटे रखे हुए हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये जो है वो राजा का सीट है, मतलब राजा जो बैठते थे वो जगह है। और यहाँ पे एक और जो हमें देखने मिल रहा है स्टैचू है, और अभी आपको ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलने वाला है। सो बी रेडी, और आप इस ब्रेथ टेकिंग व्यू को एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाओ। ये पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो है वो है राजा का सीट। और राजा के सीट से अगर हम थोड़ा आगे जाके अगर देखेंगे तो वी विल हैव अ ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ दिस कोर्ट। सो ये अब आप देख सकते हो पूरा ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ कूर्ग। और हम नीचे भी जा सकते हैं, यहाँ पे पूरा कूर्ग का व्यू है, बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। ऊपर की तरफ जाते हुए अभी देखते हैं क्या कुछ हमें देख पा रहा है। तो ये मोस्ट यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर जाकर बहुत ही अच्छा बना जो है। तो ये जो है वो है राजा का सीट, और यहाँ से पूरा ये जो नज़ारा है वो लाइक हम कंटिन्यूसली देख पूरा अच्छे से पार्क। यहाँ पे फाउंटेन शो होता है, सो फाउंटेन शो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे पूरा फाउंटेन शो होता है, रात को ही होता है। अभी आई डोंट नो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी हम बाहर जाएंगे और मिलते हैं एट नेक्स्ट लोकेशन। इतना डर लग रहा था, लेकिन वहाँ पे जाके ये फॉल का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, और मतलब ये एक नए एडवेंचर से कम नहीं था। आई होप दोस्तों ये पूरा एबी फॉल्स का नज़ारा और पूरी जो एपिसोड है वो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना जितना हो सके उतना। और उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर एडवेंचर मोर फन। और हम कहीं जंगल में जाने वाले हैं, अब वो कौन सा है, क्या नहीं, वो अगले एपिसोड में मिलकर बात करेंगे।